प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल जिंदा यार्ड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अखिलेश यादव के स्ट्रीट ने हिला दी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। यूपी की बेहतर हालात की वजह से सीएम योगी चोट घिर चुके हैं। तमाम बुद्धिजीवी योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट ने सूबे में फिर से हलचल पैदा कर दी है। इसे लेकर चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। आप भी जानिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने चुनाव वादे क्या सरकार बनाने के लिए किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसान ना उम्मीद है। जबकि यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने सरकार किसानों के पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था और किसानों की कर्ज माफी था, लेकिन हकीकत उल्टा है। सरकार अपराधों पर नियंत्रण लगाने में सफल नहीं हुई है। वहीं किसान तक योगी सरकार की योजनाएं पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो धन्यवाद। प्लीज़ वेलकम टू माई चैनल जिंदा यार्ड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अखिलेश यादव के स्ट्रीट ने हिला दी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। यूपी की बेहतर हालात की वजह से